पात्र के अनुसार बात करना। अगर छोटा है हमसे और हम समझते हैं कि इसको डांट देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, आगे बात नहीं बढ़ेगी, तो वहां वैसा व्यवहार कर दो। ये हमसे बड़ा है, ये सही गलत बात कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको गलत कहेंगे तो ये और गुस्सा करेगा, इसलिए उससे चुप रहो। हमारा बाप है, हमारी माँ है, हमारा बड़ा भाई है, हमसे बड़ा है और गलत बात कर रहा है, और हम ये सोच के कि ये गलत बात कर रहा है हम भी बोलेंगे, ये गलत, क्योंकि उसको ये अहंकार है कि हम बड़े हैं, तुम्हारे बाप हैं, इसलिए वो तुम्हारी सही बात को भी मानेगा नहीं। जगत गुरु का बाप भी किसी को कहे कोई बात तो जब वो गुस्से में होता है, नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, ऐसे बोल देते हैं लोग, हमको बोल देते हैं, तो संसारी बाप माँ को कौन छोड़ेगा, तो उससे बात बहुत बढ़ जाती है। तो पात्र देख करके व्यवहार करना चाहिए, एक सा व्यवहार सर्वत्र नहीं होता है, जैसा पात्र हो वैसा व्यवहार हो, लेकिन भीतर गड़बड़ होने की बात तो गलत है ही, चाहे जहां हो भीतर गड़बड़ न होने पाए, ये तो अपना ख्याल रखना चाहिए। बाहर तुम नम्र व्यवहार करो, जहां जरूरत पड़ जाए, अरे कोई कमजोर आदमी भी है और रिवाल्वर लिए है दिखा रहा है और कहता है हैंड्स अप, उठाओ आप, हिम्मत सोचो हम जरा बलवान है एक झापड़ लगा देंगे, अरे झापड़ नहीं रिवाल्वर लिए, चुपचाप उठा दो हाथ। देखो एक नकली रिवाल्वर लेके एक बार यूपी में हवाई जहाज पर सवार हो गया, खिलौना वो जो आता है 100 रुपए का, वो रिवाल्वर लेके खड़ा हो गया हो और 250 आदमी हवाई जहाज में बैठे, सबसे हाथ उठवा दिया उसने, सब लोग हाथ उठा नहीं गोली मार देंगे, और हवाई जहाज उड़ा के ले गया, पकड़ा गया, ये गोरखपुर का था। तो जैसा व्यवहार देखो, समय देखो, वैसा व्यवहार करो। हर समय नम्रता भी खतरनाक है, हर समय अकड़ दिखाना भी खतरनाक है। किसके सामने क्या करना चाहिए, ये बुद्धि से काम लेके करना चाहिए। एक साथ व्यवहार करने वाला संसार में सफल नहीं हो सकता। अगर बहुत नम्र रहेगा हर एक के साथ तो गुंडे लोग उसको नहीं छोड़ेंगे, और अगर हर जगह अकड़ेगा तो फिर वो बड़ों से लाभ नहीं ले सकता। इसलिए दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साध्यम सदा दुर्जने प्रीति साधु जने नयो नृपजने विद्वजने स्वार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारी जने। अलग अलग व्यवहार अपने लोगों में, प्यार का व्यवहार, गरीबों में दया का व्यवहार, संत महात्मा के प्रति शरणागति का व्यवहार, विद्वानों के साथ नम्रता का व्यवहार, शत्रु के साथ वीरता का व्यवहार, अलग अलग ढंग का व्यवहार करना चाहिए, तो वो संसार में सफल हो सकता है। लेकिन जिस समय वो क्रोध का व्यवहार करे उस समय भी भीतर क्रोध ना आवे, ये ध्यान रखे, हमारा ये मेन पॉइंट। हमने क्रोध करके किसी को दुखी किया तो हम भी तो दुखी हुए क्रोध में, ये कौन चालाकी है। हमारा नुकसान ना हो दूसरे का नुकसान हो जाए, ये तो ठीक है, बड़े चालाक हैं आप, और जो अपना भी नुकसान हुआ और उसका भी हुआ तो भी क्या चालाकी हुई, तो बराबर हो गए दोनों। हमको क्रोध आया, हमारा हृदय जला, हमारी आत्मशक्ति नष्ट हुई,
अब उसकी भी हुई, हमने भी उसको ऐसी गाली दी तो उसने भी तो गाली दी, तो भी उससे तुमको भी दुख हुआ। इसलिए ये लाभ की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से भी तो बहुत सोच समझ करके, पात्र देखकर हमारी माँ कैसी है, बाप कैसा है, भाई कैसा है, इसका नेचर क्या है, उससे वैसे व्यवहार करना चाहिए। अगर उसका नेचर ऐसा है कि ऐसा व्यवहार करे तो बात नहीं बढ़ती, तो ऐसा व्यवहार करो। सबका नेचर अलग अलग है। अब तुम उसके बेटे तो बन गए हो, बाप है वो, कहां भाग के जाओगे, तो 24 घंटे साथ रहेगा। अब उसके नेचर को समझो और उसके नेचर के अनुसार एक्टिंग करो कि बात न बढ़े और तुम्हारा काम गड़बड़ न हो। यह बुद्धिमत्ता है। एक सा फार्मूला हर जगह लागू नहीं करना है, वो तो मूर्ख है जो ऐसा करता है, वो कभी सफल नहीं होगा, हर जगह चप्पल खाएगा। जैसे एक फिलॉसफी समझो कि संसार में किसी पर विश्वास न करो, एक फिलॉसफी। संसार के किसी व्यक्ति पर कोई विश्वास न करो, बाप हो, मां हो, बेटा हो, स्त्री हो, पति हो, पड़ोसी हो, सब मायाबद्ध हैं, सब मतलब के लिए झूठ बोल देते हैं, सब कुछ दोष है सब में, और कोई किसी के सुख के लिए कुछ कर नहीं सकता, इसलिए किसी के धोखे में ना आओ कि ये हमसे प्यार करता है। कोई संसार में पैदा नहीं हुआ जो किसी दूसरे के सुख के लिए कुछ करे, सब अपने सुख के लिए करते हैं। इसलिए सारे संसार से सावधान रहो। जितना तुम्हारे ऊपर कोई झुके, समझ लो उतने बड़ा स्वार्थी है वो। अगर कोई ऐसे करता है नमस्ते, कम मतलब है इसका, नमस्ते तो ज्यादा मतलब है इसका हमसे, नमस्ते और ज्यादा मतलब है इसका। जितना हमारी ओर वो झुकता है, समझ लो उतने बड़ा वो मक्कार है कि कोई मतलब चाहता है हमसे, हम धोखे में आकर आ जाते हैं। होशियार रहे उससे, वो खतरनाक है। तो सारे संसार में सब स्वार्थी हैं, इस बुद्धि को सदा बनाए रखना, किसी के धोखे में ना आना, बुद्धि का प्रयोग करना हर जगह। और जब भगवान का विषय आवे, महापुरुष का विषय आवे, तो वहां बुद्धि लगाना बंद, देखो उल्टा व्यवहार करना है अब तुमको। जैसे स्कूल में पढ़ने गए, अब बुद्धि लगाना बंद, उसी प्रकार जैसा टीचर कहे वैसे लिखो। डॉक्टर के पास गए, बुद्धि लगाना बंद, जैसी दवा कहे वैसे खाओ। तो भगवान और महापुरुष के यहां भोले बालक बन जाओ, पूर्ण शरणागति, बुद्धि का दान। और संसार में पूरी बुद्धि लगाओ, कोई सिर काट के दे रहा है, बहुत बड़ा मतलब है कुछ इसका, बेवकूफ नहीं बनते। एक दिन में व्यवहार तुम भी कर दो प्यार का, लेकिन धोखे में ना आओ। पहले जब शादी होती है स्त्री पति की, तो क्या होता है, आप खाइए नहीं, आप पहले आप खाइए नहीं, पहले आप खाइए, खूब एक्टिंग होती है, आपको सुख मिले नहीं, नहीं आपको सुख मिले। और बाद में क्या लड़ाइयां होती हैं, आप लोग तो देखते हैं घरों में, पहले हम, तुम हमारा कभी ख्याल नहीं करते, तुम हमारा कभी ख्याल नहीं करते, फिर ये शुरू हो जाता है अध्ययन। तो वास्तव में जो फैक्ट है उसको समझो अच्छी तरह से बुद्धि में, कि संसार में पूरी बुद्धि लगाओ, किसी पर विश्वास न करो, और हरि गुरु पर पूर्ण विश्वास करो, बुद्धि का समर्पण करो, तब भगवत प्राप्ति होगी।
जरा भी अपनी बुद्धि लगाया कि अपराध कर बैठोगे। तो पांडित्यम निर्वेद्य बाल्यन तिष्ठा से वेद कहता है कि बुद्धि का तर्क त्याग करके तब भगवान और गुरु की शरण में जाओ, और संसार में जब आओ तो पूरी बुद्धि लगाओ और फिलॉसफी को दिमाग में रखो कि संसार में सब अपने स्वार्थ के लिए ही प्यार करते हैं, व्यवहार करते हैं। वो चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो। हमारा स्वार्थ सिद्ध हुआ तो हमारा बाप बढ़िया, हमारी माँ बढ़िया, हमारी बेटी बढ़िया। स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो गाली गलौज मार धार सब उजड़ हो जाती है। तो ऐसे संसार से सावधान रहो, कहीं प्यार न कर लो, प्यार भगवान से और महापुरुष से करो, वे तुम्हारे हैं, वे तुम्हारा कल्याण करेंगे, आत्मा का कल्याण करेंगे। संसार कृपा करेगा तो अपने स्वार्थ के लिए करेगा, और क्या देगा संसार, बस उससे आनंद मिलना नहीं है। और वो भी तब तक देगा जब तक उसका स्वार्थ हल होगा। स्वार्थ कम प्यार कम, स्वार्थ खत्म प्यार खत्म। इसलिए व्यवहार सब जगह अलग अलग, जैसा पात्र हो वैसा करना चाहिए। है संसार में बड़ा कठिन, क्योंकि हम सबके अंतर की बात तो जानते नहीं, ये आदमी कैसा है जो हमारे पास आया है, लेकिन व्यवहार से हम नाप सकते हैं। ये बड़े नम्रता दिखा रहा है हमारे आगे, जरूर कोई बड़ा मतलब छुपा है इसके भीतर, इतना तो समझ सकते हो। तो उससे कहो मत कि तुम बड़े मतलब लेके आए हो, मुंह से मत कहो, लेकिन होशियार रहो, धोखे में ना आ जाओ कि हमारा आदमी है, विश्वास न कर लो। देखो बड़े बड़े पॉलिटिशियन बूढ़े हो गए, एक सेकंड में पार्टी छोड़ देते हैं, दुश्मन हो जाते हैं एक दूसरे के। सगी बहू मेनका गांधी इंदिरा गांधी के खिलाफ, जहां देखो वहां स्त्री पति बाप बेटे सब एक दूसरे को खाने दौड़ते हैं। स्वार्थ नष्ट हुआ, बस बात खत्म। इसलिए व्यवहार कुशल बनना है, संसार में ऐसी एक्टिंग करना है कि अपना काम बने, शरीर संबंधी जो आवश्यकता है, जो समाज का नियम है, उसको हम पालन करते रहे। हमें कहना नहीं है बाप से भाई से कि तुम स्वार्थी हो, समझना है अंदर। अरे भाई अगर तुम बाप से कहते हो कि तुम स्वार्थी हो तो बाप कहेगा तुम भी तो स्वार्थी हो, तुम्हारा मतलब हमसे है, हमारी रोटी दाल खाती हो, तुम हमारे संतान हो, हम तुमको पढ़ाते लिखाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तुम्हारा भी तो स्वार्थ है हमसे। तो दोनों का दोनों से स्वार्थ है, तब तक गाड़ी चल रही है। अगर स्वार्थ एक का खत्म तो बस गाड़ी खत्म हुई, पर कोई नहीं पूछता। लड़की की शादी हो गई, अब पति के यहां हो गई, चार बच्चे बच्चे हो गए, अब मां बुलाती है मेरे पास आ जाओ मैं बीमार हूं। अरे मम्मी कैसे आऊं, लड़का बीमार है। अपना लड़का नंबर एक है, वो बीमार है, उसको छोड़ के मां की बीमारी में मैं कह जाऊं। जहां अधिक स्वार्थ सिद्ध होगा उसी को प्राथमिकता देता है मनुष्य। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है संसार में, लेकिन मधुर भाषण और कम बोलना ये तो सब जगह लाभदायक है। कम से कम बोलो और मीठा बोलो। अरे जैसे हमने कहा कि निकल जाओ हमारे घर से, इसके बजाय अच्छा अब आप
बिस्तर अपना सामान लीजिए और बाहर जाइए, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, उसी को मधुर भाषा में बोल सकते हैं। अब आप ऐसा है कि हमारे घर का वातावरण ऐसा है कि आपका यहाँ आना ठीक नहीं है, ऐसा बोल दो, ऐसा न बोलो, गेट आउट। अरे शब्द ही तो है, अगर गलत व्यवहार करोगे तो उसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। हमको सबके सामने गेट आउट कहा, अच्छा हम देख लेंगे उसकी। अब दुश्मनी शुरू हो गई। व्यवहार बहुत बड़ी चीज है, किसी को नॉलेज नहीं है संसार में, लेकिन जिसको अधिक नॉलेज है वो सुखी है। कुछ Thank you.
Thank you.
गाल गावे ललिता विशाखा गे Thank you.